हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो दिन है वो शुक्रवार है, अभी शाम का समय हो रहा है। मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज कुछ लोग घर पे आएंगे। मेरी बड़ी वाली सिस्टर और मुझसे जो छोटी है वो आज सब लोग घर पे आ रहे हैं। कुछ दिन वो लोग रहेंगे यहाँ पर। और आज की जो शाम की जो गोरखपुर से ट्रेन चलती है बनारस के लिए, तो वो लोग उससे आ रहे हैं। वो 10:30 बजे तक बनारस पहुंच जाती है। तो मैं वही हल्का ही बना रही हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी। अभी मैंने कुछ हैवी नहीं बनाया, मैं सोची कुछ हल्का ही बना देती हूँ और अच्छा लगता है। सफ़र से आई है तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता है ज़्यादा कुछ। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने जो बोड़ा है, बोड़े को पहले मैं फ्राई कर लूँगी। मैंने 2 चम्मच तेल डाला है और अभी मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। और ये भी सब्ज़ी जो होती है फ्रेंड्स, बहुत ही हमारे सेहत के लिए तो बहुत अच्छी होती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। और आज मैंने सोचा कि मैं सिलबट्टे पे मसाला पीसूंगी। बहुत टेस्टी लगती है सिलबट्टे पे जो पीस के सब्ज़ी बनती है ना, मसालों की बहुत टेस्टी लगती है। और ये मैंने मसाले में लिया है हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, गोलमरीच, जीरा और लौंग इलायची है। बस यही मैं पीस लेती हूँ अभी। फ्रेंड्स, सिल पे जो हम मसाला पीसते हैं वो बहुत टेस्टी उसकी सब्ज़ी लगती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, जो बोड़ा है वो हल्का सा सौते हो गया है, मैं इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, बस हल्का सा मैंने किया है और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिएगा अपने फैमिली मेम्बर में, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इधर मैंने सारे जो बोड़े हैं उसे निकाल लिया है और मैं इसमें 2 चम्मच बड़ी चम्मच से 2 चम्मच और ऑयल डालूँगी। फिर इसमें मैंने 1/2 चम्मच मेथी दाना डाला है। मेथी दाना थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और प्याज को मुझे फ्राई करना है, मुझे इसे सौते नहीं करना है। मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ, तो कुछ इस तरीके से मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। और छवि वगैरह सब लोग बाहर बैठी हुई, वो इंतज़ार कर रही हैं कि आज जो है मौसी आ रही है, वो बहुत खुश हैं, बच्चे जो हैं बहुत एक्साइटेड हैं। और प्याज जो है भुन गई है तो मैंने इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। और फिर मैं इसके बाद इसमें जो सिल पे मैंने मसाले पीसे थे वो मसाले डाल दूँगी। और ये मसालों से सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी, सभी को बहुत पसंद आई। और जो हम मिक्सर में पीसते हैं ना, उसकी सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं होती है जितना हम सिलबट्टे पे पीसते हैं। मैं कभी कभी पीस लेती हूँ मसाले सिलबट्टे पर। फिर मैंने इसमें हल्दी डाला है, स्वाद के अनुसार नमक डाला है और टमाटर डाल के इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दूँगी ताकि जो ये टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ। फिर मैं इसमें बाकी की सारी सब्ज़ियाँ डाल के फिर अच्छे से इसे ढक ढक कर मैं इन सब्जियों को पकने के लिए छोड़ दूंगी और फिर ये सब्ज़ी जो है पक जाएगी। दूसरी तरफ मैंने दाल चढ़ा दी है, दाल भी बन गई है और अभी मैंने गैस बंद कर दिया उसका और रोटी सेक रही हूँ क्योंकि फ़ोन आया था, वो लोग स्टेशन पे आ गए हैं तो मैंने सोचा कि मैं अभी रोटियाँ सेक लेती हूँ क्योंकि जब वो लोग आएँगे तब वो चाय नाश्ता सब देने में थोड़ा टाइम लग जाएगा और अभी रात के बज रहे हैं 10, तो इसीलिए मैं रोटी अभी सेक ले रही हूँ कि आने के बाद जानते हैं ना कि जब कोई गेस्ट घर पे आता है तो ज़्यादा टाइम तो बातों में लग जाता है। तो इधर अगर डिनर कंप्लीट रहेगा तो मैं उधर उन लोग से थोड़ी सी बातें कर लूँगी, उन्हें चाय नाश्ता करा दूँगी, नाश्ता नहीं बस चाय पानी वगैरह, फिर उन्हें तुरंत खाना निकाल दूँगी, वो खाना खा लेंगे। और अभी हम लोग तो अभी हम बातें कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं और बड़ी वाली दीदी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से वो भी आ जाए। तो ये छोटी वाली सिस्टर है, वही मस्ती मजाक चल रहा था। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी दीदी आ गई है। जीजा को पैर छू, दीदी बस तेरे को गले लग दो यार, अच्छा लगता है। वेरी गुड, सत्ता ही दिया तुम यार को। चलो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर है बड़ी वाली। चलो ये बड़े वाले जीजा हैं, सब लोग हैं। चलो 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 अंदर चलते हैं। देखिए खुश रहो ऋषु, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तुम्हें लग लो हैं हां, देखिए हम तो भूल गए, हम तो भूल गए। चलो आ गया मेरा भी। अब
शिट्टू मेरा आ गया, तू मेरा बच्चो बच्चे कहाँ तुले अर्जुन अर्जुन भीम आ गया भीम चले मिलो मिलो वाओ दीजिए हाथ में लीजिए ले लीजिए ना बच्चे हैं आप अब कान्हा जी मिल लिए ना सब लोग से अब सब ठीक करिए वो तभी से इंतजार कर रहे हैं लेकर आ रहे जो तनों से रोटी भी लेकर आए लेकिन हमको खुद इतना हम रोए थे इतना रोए थे इतना रोए थे जीजा के मैं भाव दिखा दूं रोज रबड़ी खाते हैं इसीलिए नहीं जाते हैं तब क्या दिख नहीं रहा है गुल्लू का यहाँ लाडू दिखा लाडू को दिखा लाडू को दिखा लाडू को दिखा जी आदो गुड नाइट दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।